सो माय फ्रेंड्स वेलकम टू बी फाइनली लॉ इयर्स को लेकर अल्फाबेटिक मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है सो so नाउ आपको क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि भाई मेरा नाम इस पर्टिकुलर लिस्ट में है या नहीं चाहे आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो अगर कंफर्म शो कर रहा है दैट मीन कुछ नहीं करना का ठीक है यहाँ बस अपनी डिटेल्स चेक कर लो सीईटी मार्क्स प्रॉपर है या नहीं यूजी मार्क्स प्रॉपर है या नहीं एच एस सी एंड एस एस सी ये मार्क्स आपको देखने हैं आपकी कैटेगरी यहां मेंशन की गई है ठीक है कैंडिडेटचर टाइप भी मेंशन है आपको ये चेक करना है डेट ऑफ बर्थ बराबर है या नहीं ये सारी डिटेल्स चेक करनी है और फाइनली अगर यहाँ कंफर्म है डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुके हैं कुछ नहीं करना आपको डायरेक्ट एंट्री मिलने वाली है फाइनल मेरिट लिस्ट में इनकेस डॉक्यूमेंट हैविंग डिस्क्रिपेंसी ऐसा कुछ शो कर रहा है इसका मतलब या तो कोई डॉक्यूमेंट आपने प्रॉपर सबमिट नहीं किया है या आपने माइनॉरिटी भी सिलेक्ट की है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपने शायद सबमिट ना किया हो कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हुआ हो डिटेल्स मिसमैच है सो ऐसे में क्या करना है लॉग इन करना है और उसके बाद जो भी डिस्क्रिपेंसी है वो देखनी है अपलोड द डॉक्यूमेंट करेक्ट वाला जो ऑलरेडी अपलोड किया है उसे भी एक बार ओपन करके देख लो कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनाया या नहीं बनाया है, उसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है वो देख लो कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है ठीक है अगर सेमेस्टर पैटर्न में है देन सेम की मार्कशीट प्लस होना चाहिए आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट सातों को एक साथ अपलोड करना है ओके okay? अगर ईयरली पैटर्न में दिए हो देर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड कन्वर्जन सर्टिफिकेट ऐसे ही अगर आप ओ कैंडिडेट हो देन चेक करना है कन्फर्म है कुछ नहीं करना डॉक्यूमेंट हैविंग डिस्क्रिपेंसी बस बहुत सारे कैंडिडेट जिनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं है उस केस में आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल तीनों में से एक अपलोड कर सकते हो सो so, अब चेक करना है अल्फाबेटिक लिस्ट में आपका नाम कहाँ है जम्मू और कश्मीर से हो सो so यहाँ देख लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग शो कर रहा है सबका ठीक है चेक कर लो गाइज क्या मिस्टेक हो रही है एनआरआई को लेकर एंड द कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट वो फॉर्म्स आर इनकम्प्लीट एंड नॉट लॉक इनकम्प्लीट क्यों है कंप्लीट करो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म शो कर रहा है ऑप्शन फॉर्म नॉट फिल्ड ऑप्शन नहीं दिए दे सकते हो अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है और अपने ऑप्शंस देने भी बहुत जरूरी है अगर समरी की बात करूं देन 52,283 कैंडिडेट रजिस्टर कर चुके हैं उसमें से कितने के फॉर्म लॉक हुए 48,254 4,029 कैंडिडेट उन्होंने अभी भी लॉक नहीं किया है ठीक है सो गाइज क्या करना है वेरिफिकेशन होने वाला है ठीक है आ जाओ यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स पर देखो गाइज डिस्प्ले ऑफ अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट नाइन्थ ऑफ अगस्त

देन आपको कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज नहीं मिलेगी ठीक so, है सो आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए वेरीफाइड और आपने अगर ऑप्शन कम दिए हैं कोई बात नहीं ऑप्शन फॉर्म अनलॉक करो और अपने जो ऑप्शन है वो मैंशन कर दो ठीक है जो कोई कैंडिडेट फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा मैं वापस बता रहा हूं जो कोई कैंडिडेट फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा उसी को एलोकेशन मिलने वाला है राउंड वन एंड राउंड टू दोनों में ठीक है राउंड टू के लिए अलग से आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे क्योंकि राउंड वन एंड राउंड टू दोनों साथ में होने वाले पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा रिपोर्ट आएगी और उसके बाद डायरेक्ट एलोकेशन होगा यहाँ वापस अपने फ्रेश ऑप्शंस नहीं दे पाओगे क्योंकि आपने जो भी ऑप्शंस दिए सपोज वन टू थ्री फोर एंड फाइव अब राउंड वन में समझ लो मुझे एक भी कॉलेज नहीं मिला इन पांचों में से तो क्या हो गए ये पांचों वापस कंसिडर होंगे राउंड टू के लिए ठीक है और राउंड वन में समझ लो मुझे थर्ड नंबर कॉलेज सीट मिल गई तो अब मैं बेटरमेंट चूज करूंगा या फिर फ्रीज कर लूंगा अगर मैं बेटरमेंट चूज करूंगा तो ये वापस चारों ऑप्शन कंसिडर किए जाएंगे और ये वापस नीचे आ जाएगा ठीक है सो चांसेस मेरे दोनों राउंड में रहेंगे लेकिन अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपके पास ऑप्शन बचता है सीधा राउंड थ्री और राउंड थ्री में सीट बहुत कम रहने वाली है गाइस ओके सो ट्राई करो कि राउंड वन और राउंड टू में पार्टिसिपेशन हो जाए डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाइड हो जाए आप अपने अच्छे खासे ऑप्शन दे दो कट ऑफ चेक कर लो ठीक है ऑप्शन कैसे फिल करना है उसको लेकर भी वीडियो बनाइए वो देख लो और जो भी आपके डाउट्स है गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड इन केस मार्क्स कम है वापस प्रिपरेशन करना चाहते हो फॉर 2024 थाउजेंड एंड ज्वाइन अवर ऑफलाइन बैचेस एट डोंबिवली घाट कोपर एंड दादर एंड केस यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट्स you can interact live with us call on 970 240 don't forget to download our app to get the free mock and free resources and follow us on telegram youtube facebook and instagram that's all guys all the best for your career see you in the next video